Everyone, myself Rajiv. Today I am going to discuss about properties of addition of rational number. Okay, rational number के property हम discuss करेंगे आज addition के लिए क्या होता है. तो जो पहला property है ये देखते हैं, पहला property है closure property. Closure property कहता है कि sum of two rational number is also a rational number. अगर किसी भी दो rational number का sum करेंगे तो जो result आएगा वो भी क्या होगा, rational number होगा. देख लेते हैं, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर का सम जो होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा. ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी. ठीक है, दो रेशनल नंबर है, डायरेक्ट एग्जांपल से लेता हूँ. ठीक है, एक रेशनल नंबर मान लेता हूँ टू अपॉन थ्री, दूसरा रेशनल नंबर हमने ले लिया 9/6. ठीक है, 9/6 ले लिया, दो रेशनल नंबर है यहाँ पे. इसको अगर हम सम फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा रेशनल जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, आइए देखते हैं आप इसको कैलकुलेट करके. अब इसको ऐड करेंगे तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर्स में, उस टाइम क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले एलसीएम. तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6. ओके, 3 और 6 का एलसीएम आ गया 6. 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 times 3 = 6. तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 6 के टेबल में 6 कितने टाइम, 1 times, है ना. तो क्या हो जाएगा, 9 × 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 × 4 + 9/6. 4 और 9 कितना होगा, 13/6. 13/6 भी क्या है, रेशनल नंबर. राइट, ये भी क्या, रेशनल नंबर है. तो हमने देखा अभी क्लोजर प्रॉपर्टी कहता था सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. किसी भी रेशनल नंबर का दो रेशनल नंबर का सम जो होगा तो उसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, दो रेशनल नंबर हमने ले लिए यहाँ पे, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी जो आएगा वो सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी आएगा. ओके, अगर दो रेशनल नंबर है, एक ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन दूसरा सी अपॉन डी, जो पहले रेशनल नंबर में दूसरे को ऐड करें या दूसरे रेशनल नंबर में पहले को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, है ना. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है. इसको हमें अभी एग्जांपल से समझते हैं. एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल ले यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यही जो यहाँ पे लिया था उसमें देखे थे 2/3 प्लस क्या है, 9/6 + 2/3. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जो 2/3 + 9/6 आएगा वही क्या आएगा, 9/6 + 2/3 आएगा. दोनों इसका इसको सॉल्व करने ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी वो इसके ऐड करने के बाद आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला सॉल्व करते हैं, ये है 2/3 + 9/6, है ना. अभी दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6. 3 के टेबल में 6 2 times, तो ऊपर वाले नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 + 6 के टेबल में 6 1 times, ये क्या हो जाएगा 9 × 1. अभी दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 9/6 = 13/6, है ना. अब हम इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 9/6 + 2/3, इसका जो ऑर्डर चेंज था, है ना. अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगेन 6 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा. 6 के टेबल में 6 1 times, तो क्या होगा 9 × 1 +
थ्री के टेबल में सिक्स कितने टाइम्स, टू टाइम्स आएगा है ना, थ्री तो टू को हम क्या करेंगे पूछे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया नाइन, नाइन वन जो नाइन, और ये फोर, टू टू जो फोर अपॉइंट सिक्स, क्या गया थर्टीन अपॉइंट सिक्स, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। अगर दो रेशनल नंबर है तो पहले में दूसरों को ऐड करें या दूसरे में पहले रेशनल नंबर को ऐड करें, रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या होगा सेम ही होगा। अगर ऐड करने में अगर इसको हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी थर्ड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है इफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर थ्री रेशनल नंबर्स, थ्री रेशनल नंबर्स नंबर्स देन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन ई, तीन रेशनल नंबर्स है तब क्या होगा ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ है ना इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसमें सी अपॉन डी को अगर हम ए सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को एक साथ रखें, ए अपॉन बी को हमने अभी बाहर कर दिया, फिर इसमें ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को एक साथ रखा और इधर ये इसको बाहर कर दिया हमने है ना, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा सेम ही होगा है ना। इसमें भी जो पार्ट इसको हम सॉल्व करेंगे वो करके जो रिजल्ट आएगा वो इसको भी सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने, एक रेशनल नंबर ले लिया वन अपॉन टू, दूसरा ले लिया थ्री अपॉन फोर, और एक बार एग्जाम्पल ले लिया फाइव अपॉन एट ले लेता हूँ, ठीक है। तीन रेशनल नंबर ले लिए हमने, अभी दोनों को पेयरिंग कर दिया, ठीक है, वन अपॉइंट टू अभी पेयरिंग कर दिया, और इधर क्या करेंगे ये वन अपॉइंट टू प्लस थ्री अपॉइंट फोर, दोनों को पेयरिंग कर दिया इधर फाइव अपॉइंट एट, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो पहला पार्ट है वन अपॉन टू थ्री अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन एट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर में जो होता है उसको सॉल्व करते हैं है ना, वन अपॉन टू प्लस, अब देखो यहाँ पे फोर और एट का एलसीएम क्या हो जाएगा एट, फोर के टेबल में एट कितने टाइम टू टाइम्स, तो थ्री को किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, न्यूमरेटर में जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं है ना, प्लस एट के टेबल में वन टाइम्स है ना, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में क्या है फाइव, फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ गया अपन अपन टू प्लस थ्री टू जै सिक्स और फाइव वन जो फाइव अपॉन एट, ये क्या बाहर आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस सिक्स और फाइव इलेवन अपॉन एट। अब यहाँ पे फोर टू और एट का एलसीएम क्या आ जाएगा एट, टू के टेबल में फोर टाइम्स तो वन को फोर से मल्टीप्लाई प्लस एट के टेबल में वन टाइम्स तो इलेवन को वन से मल्टीप्लाई है ना, ये क्या आ गया फोर प्लस इलेवन अपॉन एट इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट, एक इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो क्या आ गया फिफ्टीन अपॉन एट है ना। अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करके देखना है कि फिफ्टीन अपॉन एट आता है या नहीं आता, अगर फिफ्टीन अपॉन एट आ जाएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा, ठीक है, उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। देखते हैं ये वाले पार्ट को, ये क्या है वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन एट है ना, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर, ठीक है, टू के टेबल में फोर टू टाइम्स तो क्या हो जाएगा वन इंटू टू प्लस फोर के टेबल में फोर वन टाइम्स तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन ब्रैकेट प्लस ये फाइव अपॉन एट। अब यहाँ पे देखिए वन इंटू टू टू थ्री इंटू और थ्री इंटू वन थ्री अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन एट, अभी क्या आ जाएगा टू और थ्री फाइव, ये आ जाएगा फाइव अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन एट है ना। अब यहाँ पे
4 और 8 का एलसीएम कर लिया हमने तो क्या गया 8 4 के टेबल में 2 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 अभी क्या हो जाएगा 5 टू जाए 10 प्लस 5 बन जाए 5 अपॉन 8 है ना ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 8 इसका इसका आंसर अब देखो यहाँ भी 15 अपॉन 8 यहाँ भी 15 अपॉन 8 है ना इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है वेरीफाई करता है ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो हमारा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिटिव Identity. Additive identity. Additive identity कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर में if we add 0 to any रेशनल नंबर decimal number the sum is the number itself sum is the number itself कहता है कि अगर हम किसी भी decimal number में 0 add करेंगे तो जो result आएगा वो क्या आएगा वो decimal number खुद ही आएगा जैसे कि मैं एक decimal number ले लेता हूँ 4 upon 3 upon 4 अपन 5 एक डेसिमल नंबर है इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा या फिर 0 प्लस 4 अपन 5 करें 0 में डेसिमल नंबर ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 4 अपन 5 है ना तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डेसिमल नंबर क्या होगा 0 ठीक है तो हम इसको कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डेसिमल नंबर रेशनल नंबर इज जीरो ठीक है नेक्स्ट एक होता है एडिटिव इनवर्स है ना एक तो क्या एडिटिव आइडेंटिटी एक होता है एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स जो होता है वो कहता है कि कोई अगर रेशनल नंबर ए और बी अगर रेशनल नंबर है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो जो सम आना होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए ए और बी में हम क्या ऐड करेंगे माइनस बी और ए है ना नहीं नहीं सर माइनस ए और बी ए और बी में हम क्या ऐड करेंगे माइनस ए और बी तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा जीरो आएगा इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1/2 एक रेशनल नंबर में ले लेता हूँ है ना उसमें हम मैं ऐड कर देता हूँ माइनस 1/2 ठीक है तो इन दोनों को ऐड करके देखते क्या आता है 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा 1 × 1 प्लस और ये क्या होगा −1 × 1 है ना ये क्या आ गया 1 + −−1 और ये 2 1 − 2 ये क्या हो गया 1 − 1 0 0 × 2 = 0 ठीक है ये क्या आ गया 0 तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 = −1/2 कोई भी रेशनल नंबर है उसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो नंबर खुद होगा सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा अगर यहाँ पे प्लस में है पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर ठीक है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू